नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है बिल्कुल एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 30 दिसंबर 2018 और मॉर्निंग शिफ्ट में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल का एग्जाम हो चुका है कंप्लीट, तो हम लेके आए हैं उसकी आंसर की। अभी कुछ देर पहले ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था, तो उसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के जितने क्वेश्चन थे उनके आंसर की और हिंदी के जितने क्वेश्चन थे उनके आंसर की। तो मैथ और हिंदी के आंसर की हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ का जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जो सबसे पहला जो मैथ का क्वेश्चन है वो देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो इसका माध्य क्या होगा? तो इसका माध्य होगा n प्लस 1 बाय 2, तो इसका आंसर है ये। उसके बाद आगे जो मैथ का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। ये देखिए हमें इसको करना है सोल्व। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी 1 और 0। ए और बी की, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 आएगी और बी की वैल्यू आएगी इसमें 0। तो दोस्तों अपना जो अगला मैथ का क्वेश्चन है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो अंक 1, 2, 3, 4, 5 में कितने दो अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 बनाई जा सकती है। अब चलते हैं अगले मैथ के क्वेश्चन की तरफ, जो की है क्वेश्चन नंबर 53। द्विघाती समीकरण हमें दे रखा है 2x² + kx + 3 = 0 में k का मान खाली स्थान है, इस जिससे इसके दो मूल समान होते हैं। तो दोस्तों हमें करना है ये सोल्व। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा +-2√6, इसका आंसर आ जाएगा k का जो मान है वो। अगर आप इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को तो आपका आंसर आएगा डी 24 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कैपिटल को DCSMYGS लिखा जाता है तो नेशन शब्द को उसी कूट में क्या लिखेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1 OCWMTT हम इसको लिखेंगे। अब चलते हैं अगले। 6 प्रवेक्षणों का माध्य 8 है, यदि प्रत्येक प्रवेक्षण को 3 से गुणा किया जाए तो नया माध्य होगा। तो नया माध्य क्या होगा? नया माध्य होगा 24। संख्याओं 5, 8, 13, x, 34, 55, 89 में के क्रम में x का मान, तो हमें x का मान बताना है इसमें। तो दोस्तों इसमें x का मान हो जाएगा 21। प्रश्न नंबर 80 है, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार पश्चिम भाग प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? तो टेल देख लीजिए, टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3/4। 6n-5n को 25 से विभाजित करने पर क्या शेष बचता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 शेष बचेगा। अब चलते हैं अगले पे। अगला है, इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे मैथ के। अब चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पे। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 95 है, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं अपने हिंदी के सेक्शन पे। भाषा हिंदी, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है प्रचार करना। प्रश्न नंबर 96 है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों दूसरा पद प्रधान तो होता है तत्पुरुष समास में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, 1 + 1 = 1, यह कौन सी संधि है? तो दोस्तों यह संधि है अपनी वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 98, हम पढ़ते हैं, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कहते हैं हम पढ़े, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 99, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, यह कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना कर्म वाच्य। प्रश्न नंबर 100, हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। तो दोस्तों मैथ और हिंदी के हमने कवर कर दिए हैं। अगर कोई एक आध क्वेश्चन मैथ का हो सकता है छूट गया हो तो वो भी हम बड़ा जल्द जो अगले आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे उसके साथ अगले वीडियो में ले आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 100 के 100 क्वेश्चन की आंसर की अभी आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।